सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस के एक्सरसाइज के आज हम लगाएंगे लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में है। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम्प्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और फोल्डर सर्च करें सीबीएसई क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे भी मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, अदरवाइज़ आपके पास बुक हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन पुरानी वाली बुक नहीं, पुरानी वाली बुक आप जो है अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप पूरी साल कन्फ्यूज रहेंगे सर ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, है ना। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो आप न्यू एनसीईआरटी को ही परचेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 के अंदर हमें एक सेट दे रखा है ए, दैट इज़ 1, 2, 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब अपने को ये बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन सच दैट कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है उसके अंदर, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हैं। और एक कंडीशन और दी है, उस रिलेशन के अंदर 1, 2 और 1, 3 ऑर्डर पेयर का होना कंपलसरी है, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना है, बेसिक आपने क्लियर करना है इस चैप्टर के, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लगाइए, बाकी पुराना सब कुछ आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लें यहाँ से आप। तो यहाँ से आप ए क्रॉस ए निकाल लें, 11th क्लास में आपको बताया गया था, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 3, 3 का कितना आएंगे, 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो क्या क्या आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये टोटल 9 ऑर्डर पेयर की पॉसिबिलिटी है, जिसकी हेल्प से हम ऐसे रिलेशंस बताएंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो देखिए इनका तो होना कंपलसरी है, तो ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम रिफ्लेक्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जिससे जिस सेट से आप रिलेशन बनाते हैं उन सब के डबलेट होना चाहिए। तो आप पहले डबलेट लिख लीजिए, 1, 1 लिख सकते हैं, 2, 2 लिख सकते हैं, 3, 3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके अलावा और भी अगर एलिमेंट्स हैं तब भी ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब सिमेट्री की कंडीशन क्या है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1, 1 है तो 1, 1 है, 2, 2 है तो 2, 2 है, 3, 3 है तो 3, 3 है। अब यहाँ पर देखो 1, 2 का होना कंपलसरी है, तो इसका सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 ले लेते हैं, राइट। और 1, 3 भी होना कंपलसरी है, तो इसके सिमेट्रिक के लिए हम क्या ले लेते हैं, 3, 1 ले लेते हैं, राइट। अब देखिए इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, इधर कितने एलिमेंट्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर हम ये चेक करके देखते हैं कि देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही है और सिमेट्रिक भी आपने बना दिया है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो देखिए 1, 2 है, 2, 1 है, मतलब ए बी है और बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, तो 1, 2 है यहाँ पर, ये है ना 1, 2, राइट। आपको ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन देखो ये बन सकती है क्या, कि 3, 1 है और 1, 3 है, है ना, तो 3, 3 नहीं, अभी तो है ये ट्रांजिटिव। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 3, 1 है और 1, 2 ले लो, 1, 2 ले लो, तो 3, 1 है, 1, 2 है, तो 3, 2 होना चाहिए, लेकिन 3, 2 यहाँ पर नहीं है रिलेशन में, बताओ है कहीं पर 3, 2 नहीं है। अब ये ऐसा रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, 3, 1 है, 1, 2 है लेकिन 3, 2 नहीं है यहाँ पर। अब ये कंडीशन आप बता दो जिसकी वजह से ट्रांजिटिव ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रिलेशन तो तुम्हारा ये बन गया, राइट। अब जरा सोचो, अगर मैं एक और रिलेशन ऐसा बनाना चाहूँ जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने बचे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 बचे। अब वो 2 में कौन कौन है, एक तो आपका ये हो गया 3, 2 हो गया, है ना, और 2, 3 हो गया, 2, 3 हो गया। अगर इस रिलेशन के अंदर मैं एक कोई एलिमेंट बढ़ाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर 2, 3 बढ़ा लूँ, क्या बढ़ा लूँ, 2, 3, तो 2, 3 बढ़ाते ही मुझे सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। सो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3, 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं 3, 2 लिखूँगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा और तुम्हें ट्रांजिटिव लेकर नहीं आना है। तो इसके अलावा और कोई रिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं,
एक ही रिलेशन बनाया जा सकता है, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लिख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी की तरह है लगभग लगभग, देखिए कैसे। इसके अंदर आपको एक कोई सेट दे रखा है ए, उसमें भी तीन एलिमेंट है, कौन, 1 2 3। अपने को एक रिलेशन ऐसा बताना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। देखिए एनसीईआरटी के इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस, लेकिन उसके अंदर 1 और 2 का होना कंपलसरी है, 1, 2 का होना कंपलसरी है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो देखो क्या क्या बन सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी निकालूँ लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो 9 पॉसिबिलिटीज़ होंगी ऑर्डर पेयर की, 1 1 1 2 1 3, है ना, और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही तो होंगे। अब देखें पहला रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आप इन सब के ऑर्डर पेयर ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए और 3 3 ले लीजिए, 3 3 ले लिया मैंने, राइट। अब उसने बोला है कि 1 2 का होना कंपलसरी है, तो 1 2 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, राइट। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब जरा ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होगा, 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 भी है, राइट। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 का भी होना जरूरी, 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 है, यहाँ पर 3 3 है तो 3 से मिलने वाला कोई नहीं है, तो अभी तक ये क्या है, ट्रांजिटिव है, राइट। तो एक रिलेशन तो तुम्हारा ये बन गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और यहाँ पर टोटल कितने हैं, 9। तो 4 एलिमेंट आपके पास बाकी हैं, उसको इंक्लूड करके चेक करते हैं क्या क्या बनेगा। तो पहले तो यही लिख लो, 1 2 1 1 2 2 3 3 और 2 1। अब जो 4 एलिमेंट है वो कौन कौन से बचे हुए हैं, तो देखिए जो तुमने ले लिए हैं वो तो ये हो गए, 1 2 भी ले लिया आपने, और क्या ले लिया, 2 1 भी ले लिया। तो 1 2 3 4 एलिमेंट ये बचे हुए हैं। अब ये कोई भी एलिमेंट अगर आप इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 3 इंक्लूड करते हैं, तो इसके सिमेट्रिक होने के लिए आप क्या लेंगे, 3 1 लेंगे, क्या लेंगे, 3 1। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव चेक करते हैं कैसे, ये देखो ये 3 1 है, राइट, और ये 1 2 है, ये 3 1 है और ये क्या है, 1 2 है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3 2 का होना जरूरी है, और 3 2 अभी बाकी है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए तुम्हें 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब जब 3 2 लोगे तो बचा हुआ सिमेट्रिक होने के लिए आपको 2 3 भी लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, सारे के सारे आ गए यहाँ पर, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, राइट। चलिए मैं एक फिर से समझा देता हूँ इसको, मैं देखिए कैसे, यहाँ तक आपने पिछला वाला रिलेशन लिखा था, राइट। अब इसमें जो 4 एलिमेंट आपके बचे हुए हैं वो कौन कौन है, 3 1 है, 3 2 है, 2 3 है और 1 3 है, ये 4 एलिमेंट बचे हुए हैं। इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 3 अगर मैं उठाऊँ, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3 1 भी लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा, 3 1। लेकिन जैसे ही मैं 3 1 लूँगा तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखो ये 3 1 है और ये 1 2 है, है ना, तो 3 2 का होना कंपलसरी है, तो इसलिए मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा। और जैसे 3 2 लूँगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे और ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस भी होगा, यूनिवर्सल भी होगा। तो यहाँ पर कितने रिलेशन की पॉसिबिलिटी है, 2 रिलेशन की पॉसिबिलिटी है, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज। बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं अगले चैप्टर के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। थैंक यू।